आज हम बनाते हैं पनीर काठी रोल। यहाँ पे मैंने एकदम हेल्दी तरीके से काठी बनाई है। यहाँ पे मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी लिया है और 1/2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक और 2 चम्मच घी। आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम यहाँ पे गुनगुना पानी ले आए। गुनगुना पानी से हमें आटा लगा के रखना है, एकदम नरम भी टाइट भी नहीं, ऐसा डो गूंद के हमें रेडी करके उस पर गीला टावल को रख के हमें उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करना है। तब तक हम कुछ वेजी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लच्छे में प्याज, कैप्सिकम और टमाटर को कट करके रख दिया है। फिर यहाँ पे एक बाउल में हमने हरी मिर्ची और विनीगर डाल के हमने उसको मिक्स करके यहाँ पे ग्रीन चिली बना के रेडी कर ली है। फिर यहाँ पे हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। फिर हमने उसको बारी एकदम छोटे क्यूब में कट करके रेडी कर लिया है। आप इसको जैसे साइज़ रखनी हो उतनी साइज़ में आप इसको कट करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने सारे कट करके रख दिया है। एक बाउल में हमने यहाँ पे 2 चम्मच एकदम खट्टा दही लिया है। फिर हम इसमें मस्टर्ड ऑयल, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, धनिया जीरा पाउडर और अदरक जिंजर का पेस्ट और लेमन जूस डालेंगे। फिर हम ऊपर से पनीर के क्यूब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके पनीर को मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर हमारा पनीर का टेक्सचर जो एकदम बढ़िया हो जाएगा मैरिनेट करने से। फिर यहाँ पे हमने एक पैन लिया है। पैन में यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑयल लेके गरम होते ही इसमें हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने वेजी को कट करके रखा था वो वेजी डालेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा पनीर का मिक्सर बन के रेडी है। अब हम काठी बनाएंगे। काठी बनाने के लिए हमने जो डो गूंद के रखा था वो रेडी हो चुका है। अब हम उसको एक बार अच्छी तरह से गूंद के हम उसकी छोटी छोटी लोइयां बना के रेडी कर लेंगे। हमने 1 कप सूजी लिए थी, उसमें से हमने 6 से 7 हमारी काठी बन के रेडी हो जाएंगी। अब हम ये गुल्ला लेके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क बेल के हमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के हमें उसको स्प्लिट में कर कर के उसकी गुल्लियाँ बना के रेडी कर लेना है। हमें इसी तरह से हम इसको स्प्लिट में कर लेंगे जिससे हमारा जो काठी है एकदम लच्छेदार बनेगा। अब हम इसको राउंड में करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जैसे हमारा गुल्ला रेस्ट हो जाएगा तब हमारी स्प्लिट जो है वो अच्छी तरह से उभर के बाहर आएंगी। इसी तरह से मैंने सारे गुल्ले को रेडी कर लिया है। फिर हमने गैस की फ्लेम पे एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर एक लुई लेके हम इसको ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के हम इसको एकदम नरम हाथों से बेल के रेडी कर लेंगे काठी को। फिर हम वो सेकने के लिए तवे पे रख देंगे। फिर हमें एक साइड से ऊपर से ऑयल लगा के थोड़ा सा वाइट वाइट होना, बबल होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसको फ्लिप करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब ये हमारी पनीर काठी की काठी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर से पनीर का जो मिक्सर बनाया था वो डालेंगे। अच्छी तरह से डालने के बाद हम ऊपर से डालेंगे ऑनियन जो हमें लच्छे में कट करके रखे थे वो डालेंगे और ग्रीन चिली और विनेगर का जो मिक्सर बना के रेडी किया था वो डालेंगे। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती, चाट मसाला और केचप डालेंगे। आप यहाँ पे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने फुदीना और धनिया की ग्रीन चटनी बनाई वो डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए चटनी की तो आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज डाल के ग्राउंड करके रोल बना के हम रेडी कर लेंगे। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करना, छोटे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।